किसी भी क्षण हमारी मस्तिष्क की गांठ फट सकती है, हम मर जाएंगे राजकुमारी जी। लोग एक्सचेंज के साथ रखना। दारा ने बोला, अचानक आपके मस्तिष्क में गांठ कैसे उत्पन्न हो गई? आप स्वयं जांच करके देख सकती है राजकुमारी जी। नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये फिर से आपका कुछ षड्यंत्र तो नहीं? पिछली बार हमने ना आपका उपचार किया था ना आपका स्पर्श, फिर भी आपने महाराज पिताश की और राज्य के सामने झूठ कहा कि हमने आपका उपचार हेतु में स्पर्श किया। और आज भी वैसे आक्षेप हम पे लगाया चाहते आप? बहुत सीना पूछा। अरे आप जांच और उपचार नहीं किया तो हम मर जाएंगे। और राजकुमारी बोला, हम झूठ नहीं कह रहे, हम कैसे मान लेंगे? सेनापति बोला, हमारी हालत देखिए राजकुमारी जी। कारण ये तो बहाना भी हो सकता है। बहुत सेना बोले, नहीं ये बहाना नहीं है, हम मानते हैं पिछली बार हमने झूठ कहा था भरी सभा में कि आपके उपचार हेतु में स्पर्श किया, क्योंकि हम आपको विवाह करना चाहते थे और जानते थे हमारी ये बात सुनकर महाराज आपका विवाह हमारे साथ तय करने का वचन देने के लिए विवश हो जाएंगे। और सेना बोले, परंतु इस बार हम सच में कष्ट में, अपने चिकित्सक धर्म का निर्वाह कीजिए चिकित्सक राजकुमारी तारा पीर जी, उपचार कीजिए हमारा। देखा तारा ने उनका चेक किया, सिर पे हाथ लगे चेक कर रही है तारा, और तारा ने इतनी बड़ी गांठ, आपको पहले कोई शता पीड़ा लक्षण कुछ आभास नहीं हुआ? और सेनापति बोला, पिछले कुछ समय से हमें अजीब अजीब भ्रांति हो रही, जो है नहीं वो दिख रहा है सुनाई दे रहा है। और तारा ना, अर्थात मास्टर की गांठ बहुत अग्रिम चरण पे पहुंच चुकी है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति पे ऐसे दुष्प्रभाव कर रही है। ये गांठ भी कहते हैं आपके सर में सेनापति। और सेनापति, आपको सुनकर हैरानी होगी, परंतु इसका कारण युवराज है, उन्होंने हमें बिना हमारी जानकारी के अनुचित मात्रा में ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई जिसके दुष्प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में इतनी जल्दी बड़ी गांठ उत्पन्न हो गई। और तारा ना, सावधान, आप हमारे भाईजी पर आरोप लगा रहे, ये असंभव है सेनापति जी, ये भी आपको कोई भ्रम है। हम चिकित्सक है और हम जानते हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसके सेवन से मस्तिष्क की गांठ उत्पन्न हो। और सेनापति ने बोला, संभव है राजकुमारी जी, संभव है, ऐसी जड़ी बूटियां है। और तारा ने बोला, खोखले दावे मत करिए सेनापति जी। सेनापति बोला, हम सत्य कह रहे हैं, हाँ है, हम नहीं मानते। अरे आपको मानना पड़ेगा, लेकिन कैसे मान ले, क्योंकि हमने राजगत की सहायता से महावीर जी को ऐसी जड़ी बूटियां का सेवन करवाया था जिसके कारण उनके मस्तिष्क में इतनी गांठ उत्पन्न हुई और आज उनके प्रतिशोध के कारण इस दैन स्थिति में पहुंचे हम।